इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के यानी कि बिहार में टोटल 15 यूनिवर्सिटी है, सभी यूनिवर्सिटी के कुलपति को राज्यपाल ने बुला लिया है। छात्र छात्राओं के हित में होगा सबसे बड़ा फैसला। चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ अपडेट निकल करके सामने आई है। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से सही और सटीक जानकारी दी जाती है। फ्रेंड, आप यहां पर देख पा रहे हैं कि यह पहली बार हो रहा है कि कुलपतियों की कार्य योजना से पहली बार अवगत होंगे राज्यपाल। यहां पर आप सभी देख पा रहे हैं राज्यपाल एवं कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के समक्ष राजभवन में 3 अप्रैल को होने वाली महत्वपूर्ण बैठक में कुलपतियों द्वारा रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया जाएगा। इस बैठक की महत्ता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रत्येक कुलपति अपनी ओर से रिपोर्ट कार्ड को सप्ताह भर में चुस्त दुरुस्त करने में जुट चुके हैं। एकेडमिक, प्रशासनिक और वित्तीय प्रबंधन को लेकर विस्तृत कार्य योजना का अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो यहाँ पर आप सभी देखते हैं कि बिहार में सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहाँ पर सेशन बहुत ज्यादा लेट होता है। इसी को लेकर के यह सबसे बड़ी बैठक बुलाई गई है। उसके बाद इसमें बताया गया है कुलपतियों द्वारा विश्वविद्यालय के उन्नयन को लेकर क्या वर्क प्लान है, इसे राज्यपाल एवं कुलपति राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जरूर जानना चाहेंगे। कुलाधिपति कार्यालय के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के साथ सभी 15 विश्वविद्यालय के कुलपतियों के साथ होने वाली बैठक में नैक मूल्यांकन की तैयारी के बारे में भी जानकारी ली जाएगी। सभी विश्वविद्यालय के अतिरिक्त 268 अंगीभूत महाविद्यालयों के अकादमिक प्रक्रियाओं और एकेडमिक कैलेंडर के भी अद्यतन जानकारी ली जाएगी। तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी बात कही गई है, अगर इन सब पर वहां बातें होती हैं तो एक कैलेंडर तैयार किया जाएगा जिसके अनुसार आपका जो एग्जाम है हो पाएगा। चलिए आगे, यहां पर आप सभी देख पा रहे हैं विभिन्न विभागों और छात्रावासों, पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं की अतर स्थितियों पर रिपोर्ट भी प्रस्तुत करना होगा। आप सभी देखते हैं कि लैब तो होता है लेकिन वहां पर प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो इसको लेकर भी एक बहुत बड़ी बात इसमें बताई गई है। शैक्षणिक प्रक्रियाओं, बुनियादी ढांचे और अनुसंधान के बारे में भी सूचना ली जाएगी। राज्यपाल द्वारा पहले ही नैक मूल्यांकन और रैंकिंग के लिए हर स्तर पर तैयारी सुनिश्चित कराने और इसके लिए आवश्यक जरूरतों से अवगत कराने को भी निर्देश दिया गया है। यह भी समीक्षा की जाएगी कि कैसे राज्य में उच्च शिक्षण संस्थान रैंकिंग में सुधार लाया जा सकता है। तो फ्रेंड, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी बात बताई गई है। आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ के कुलाधिपति के समक्ष रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करेंगे कुलपति। चलिए फ्रेंड, आगे जो भी जानकारी आएगी मैं आपको बताने की कोशिश करता रहूंगा। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा दें। चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।